स्टूडेंट लीडर अनीश खान के मौत के बाद तमाम राजनीतिक दल ये जाहिर करने में लगी हुई है कि अनीश उनके पार्टी के सदस्य थे। और इस बीच AIMIM के तरफ से भी एक वीडियो सामने लाया गया है जिसके बदौलत वो कहना चाहती है कि वो भी यानी अनीश खान उनके पार्टी मेंबर हुआ करते थे। हमारे साथ बंगाल चैप्टर के लीडर है इमरान सोलंकी। सोलंकी साहब, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, कल रात ही ये वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहा है कि अनीश खान, जिनकी मौत हो चुकी है कुछ दिन पहले, जिसकी तफ्तीश फिलहाल बाकायदा SIT कर रही है, और वो आपके पार्टी के मेंबर थे, किस तरीके से? सर देखिए, हम लोगों ने ये वीडियो जो कल जो मीडिया में आया है, ये ममता बनर्जी जो हमारी CM है, उन्होंने कहा था कि अनीश मेरी पार्टी का कार्यकर्ता था। तो ये वीडियो इसीलिए जो आया बाहर लीक किया गया है कि बताया गया कि नहीं, वो TMC से थे नहीं। और उनके बाद उनके फादर का भी बयान आ गया कि जो अनीश के जो फादर हैं, उन्होंने खुद बयान दे दिया कि वो TMC का कोई लीडर नहीं है, ममता बनर्जी जो बोल रही है वो गलत बोल रही हैं। तो हमारे साथ वो अनीश काम करते हैं, मेरे साथ भी 4-5 मीटिंग में थे वो। हम लोग हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में काम करते, वो उलूबेड़िया मेरे साथ थे मीटिंग में, तो वो साथ में पार्टी के थे। हमारा भी 2 साल से हम लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ा विधानसभा का बगनान में, तो वो शायद अभी नहीं एक्टिव नहीं थे, बट वो पार्टी के थे हमारे साथ। जो वीडियो देखा जा सकता है, ये कब की है और कब उन्होंने, क्योंकि एक प्रोग्राम को वो एड्रेस कर रहे थे, तो ये कब की वीडियो है? ये वीडियो करीब अपना 2 साल लॉकडाउन के टाइम का है, 2 साल पहले का है ये वीडियो। और सिर्फ एक ही मीटिंग नहीं, उनके खुद के अगर सोशल मीडिया पेज में आप जाएंगे तो काफ़ी सारे उनके जो मीटिंग्स हैं वो वीडियोज़ मिलेंगे आपको, वो हमारे पार्टी के मिलेंगे। बहुत मीटिंग उन्होंने अटेंड की है, 2 साल पहले का वीडियो। तो आपके पार्टी के मेंबर भी वो हुआ करते थे? बिल्कुल, हमारे पार्टी मेंबर है, ऑफिशियली अभी तक मेंबर है वो। उन्होंने वो कोई रिजर्वेशन कुछ दिया नहीं अभी तक। लेकिन वामपंथी भी तो ये भी कह रहे हैं कि वो वामपंथी थे, यानी ऐसे क्यों, कारण क्या है इसका? सर कारण यही है कि अभी जिस तरीके से अनीश खान का जो इशू जो आ गया, हम लोग उसको पॉलिटिकली मूवमेंट लेकर चल रहे हैं इसको। हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि कोई इसका फायदा उठाए। जो अनीश खान साथ में हुआ है वो पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए TMC वाले कर रहे हैं, जिस तरीके से वामफ्रंट वाले कर रहे हैं, TMC खुद CM आकर बयान दे रही है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर रहे हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी उसमें इंसाफ मिले, जिसके साथ में जो जुल्म हुआ अनीश खान के साथ में, वो बहुत गद्दावर नेता था, मैं खुद पर्सनली उनको जानता था, तो उनको ये इंसाफ मिलना चाहिए। और जो SIT बनाई गई है उसमें बहुत सारे लूप होल भी हैं, तो हम डिमांड करते हैं कि ये जो पॉलिटिकल माइलेज कोई ना लेके उसको इंसाफ की बात की जाए। इमरान साहब, अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो क्या कारण हो सकता है, क्या उसमें थोड़ा रोशनी डाल पाएंगे आप कि किस तरीके से मिस्टीरियसली उनकी मौत हो चुकी है, तो क्या कारण हुआ होगा कि इस तरीके से मारा गया? आपके पार्टी के मेंबर है आप कह रहे हैं। देखिए सर, एक बात है, सबसे पहली बात तो सर ये है कि वहाँ मानिक सरकार के साथ उनका झगड़ा हुआ था। मानिक सरकार ने उनको, जब स्टूडेंट को कोई किसी के एडमिशन करने के वो गए थे उनके पास में अनीश खान साहब, तो मानिक सरकार के लोगों ने उनको मारकर थाने में जमा किया। बाद में POSCO केस डाल दिया उनके ऊपर फॉल्स, लोगों ने एहतजाज भी किया, 1,500-2,000 लोग बगनान थाना भी घिराव किए। तो मानिक सरकार पे गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। मानिक सरकार कौन है? मानिक सरकार वहीं कोई लोकल लीडर है। कौन सी पार्टी के? वो शायद TMC से हैं, कोई इससे ज़्यादा नहीं, बट उनके जो फादर ने जो बयान दिया मानिक सरकार के बारे में, वो फॉल्स केस डाल। देखिए सर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है तभी तो वो उन पर केस डलवा सकते हैं। आज जो POSCO केस अगर डाला गया है अनीश खान के ऊपर, जो झूठा फॉल्स केस है, तो वो कैसी जगह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो आप सरकार को सोचना चाहिए, हमारे CM को, कि ये रिजवानुर रहमान का जो मुद्दा था 2011 में, उसके बाद में ये सरकार में आई है, तो अनीश खान का मुद्दा इनको सरकार से गिरा भी सकता है, तो इनको इंसाफ दिलाया जाए, इंसाफ किया जाए उनके साथ। ओके, यानी बंगाल की राजनीति की तपिश, इससे भनक हमें मिल पाती है किस तरीके से अनीश खान के मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक दल ये अपने अपने बयान लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबकी मांगे एक ही है कि इसकी तफ्तीश हो और जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ ऋतिक, कोलकाता से आज तक के लिए।